ग्रेटर नोएडा के अंदर आया, मैंने रेज टेक्नोलॉजी के नाम से यहाँ पे कोचिंग सेंटर शुरू किया, कुछ लोगों को पता होगा। साथ ही साथ मैंने क्रिश टेक्नोलॉजी के नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट की, वो बिजनेस मैंने 8 साल तक किया। शायद बिजनेस इतना अच्छा चला, अगर मैं ये बोलूं कि जब मैं कोचिंग पढ़ाता था 100-150 बच्चों का एक एक बैच होता था, और जब मैं डिक्लेयर करता था कि भाई ये बैच खत्म हो गया, 10 दिन के बाद मैं नया बैच शुरू करूंगा, तो मेरा दूसरा बैच भी फुल हो जाता था। तो कुछ प्रभु की ऐसी कृपा रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ लाइफ में ऐसे चेंजेज आए। मैं बिल्कुल अपनी बात सबके सामने आ चुकी, सब मेरे अपने हैं, मैं शेयर करना चाह रहा। मेरे पिताजी को गले का कैंसर हुआ, बहुत ही बुरा फेस था हमारे लिए। धीरे धीरे मेरे भी गले में दर्द रहने लगा, पिताजी का कैंसर तो ठीक हो गया क्योंकि वो सेकंड स्टेज का कैंसर था, मेरे भी गले में दर्द रहना शुरू हुआ। वो बात कहीं ना कहीं पिताजी को पता चली, मेरे वोकल कोर्स खराब होने शुरू हो गए थे, तो पिताजी ने मना करा कि भाई इस टाइम पर तो तुम बंद करो, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चिंता सताने लगी कि जैसे मुझे गले का कैंसर हो गया, इस बच्चे को भी कैंसर ना हो जाए। तो मैंने अपना वो सेंटर बंद किया, वो सॉफ्टवेयर कंपनी बंद की, क्योंकि 5 बजे के बाद मैं कॉलेज से 5 बजे के बाद घर आ जाता था, सेंटर चलाता था, 10 बजे तक सर कंपनी में लगा रहता था। फिर कि भाई मैं क्या करूं, ये सोचते मैंने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में कुछ पौधे लगाने शुरू करे, और उसकी स्टार्टिंग मैंने अपने घर के आसपास से शुरू करी। और सर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम कोई नेक काम करते हैं तो शायद उसका विरोध भी होता है। उसका विरोध मेरे घर से ही शुरू हुआ, मेरे पिताजी को भी बड़ा बुरा लगा। पिताजी करके दे, मुझे आज भी ध्यान है कि यार हमारी तो बहुत बेइज्जती हो रही, हमारी बहू भी पढ़ी लिखी, बेटा भी पढ़ा लिखा, दोनों डॉक्टरेट, और तू यहाँ पौधे लगा रहा है, मुलाई का था, अच्छा नहीं लगता, एक वाली लग रहा है, 5,000 रुपये में अपनी पेंशन दे दिया, रुपया अलग की बात आई, लेकिन मैं पौधे लगाता रहा। मुझे देखते देखते दूसरे लोग भी पौधे लगाने शुरू कर दिए, उसका विरोध बहुत हुआ, क्योंकि मैं पीपल के, बरगद के और नीम के 3 टाइप के पौधे लगाता हूँ। एक दिन तो ऐसा हुआ जब पीपल के पेड़ लगाने का लोग विरोध करते रहे और मैं लगाता रहा, तो उसे लोग पेड़ को उखाड़ते रहे, सुबह सुबह घर आ गए, विरोध करने लगे कि भाई पीपल के पेड़ आप नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, कह रहे भाई तो भूत आते हैं पीपल के पेड़ पर, है ना, काफी नोक जोक हमारी हुई। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, एक आदमी ने मुझे बोला कि पीपल के पेड़ पर गंदगी बहुत करते हैं लोग, गंदा करते हैं, वहां पे जो भी अपना पूजा का सामान है वो रख देंगे, दिया जलाएंगे। तो उस दिन उन लोगों को कहा कि हम इस सेक्टर के अंदर, बीटा 2 के अंदर इतने पीपल के पेड़ लगाएंगे कि 7 लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि वो गंदगी कहां फैलाए। तो आज बीटा 2 के अंदर ऐसा ही काम होगा, आप सबका स्वागत है, आप आगे वहां पे देख सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे और दूसरी बातें आई, एक बार शायद कुछ लोगों ने न्यूज सुनी होगी, हमने ट्रैफिक के ऊपर काम किया थी, रोंग साइड में ग्रेटर नोएडा में चलने का कल्चर है, उसके खिलाफ हमने काम किया। तो सुबह सुबह मेरे साथ में घटना भी घटी, एक गाड़ी के सामने मैं खड़ा था, तो अचानक गाड़ी वाले ने गाड़ी चलाई, मैं उसके बोनेट के ऊपर गिरा, वो 2-3 किलोमीटर तक घुमाता रहा, तो मेरी जान बच गई। तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे ये प्रेरणा मिली कि भाई नहीं, अगर अब जान बची है तो अब मुझे सोशल काम करना है। डिसीजन लेने लायक है क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का नाम सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताता है कि हवा की जो प्योरिटी है वो कितनी है, जो प्योरिटी की हवा हमें लेनी चाहिए उससे 4 गुना अनप्योर हवा हम इनहेल कर रहे हैं। ये 5 पॉइंट आपके सामने प्रदूषण को लेकर मैं बता रहा हूं, जिनके विषय में जागरूक होने की जरूरत है। प्रदूषण के कारण दुनिया भर में जितनी भी मौतें हो रही, एक बार फिर मैं अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा, प्रदूषण के कारण दुनिया भर में जितनी भी मौतें हो रही उनमें से 28% मौत केवल और केवल हमारे देश के अंदर हो रही, प्रदूषण के कारण। बड़ा सोचने का विषय है। दूसरा पॉइंट ये बता रहा, दुनिया के 20 सबसे पॉल्यूटेड जो शहर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, दुनिया के 20 सबसे पॉल्यूटेड जो शहर है उनमें से 13 शहर वो हमारे देश के अंदर है। और पहला जो है वो नंबर किसका है, मेरे ख्याल से पता होगा, पहला नंबर किसका, उसका कानपुर का, तीसरा नंबर दिल्ली का है। तीसरा पॉइंट ये बता रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे में
भारत के 180 शहर शामिल किए गए और ये देखा गया कि भाई क्या इन शहरों की जो हवा है वो सांस लेने लायक है या नहीं है। आपको सुनकर सरप्राइज लगेगा कि हिंदुस्तान का एक भी शहर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे पे जो मापदंड है उन पे खड़ा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा जी, प्रदूषण का इतना बुरा हाल है कुछ विदेशी पक्षी, देखो एक गाना है बॉर्डर ब्लू का, कौन सा गाना, पंछी नदिया पवन के झोंके सरहद नाई ने रोके। तो जो पंछी है ये इधर उधर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं जी, जैसे अभी का जो मौसम है बसंत का मौसम है, बहुत सारे पक्षी हिंदुस्तान में आ जाएंगे, हमारे पक्षी पाकिस्तान में चले जाएंगे, पाकिस्तान के पक्षी चाइना में चले जाएंगे, इराक तक के पक्षी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से, ध्यान से सुन ले इस बात को, पिछले कई सालों से पक्षियों की ऐसी प्रजातियां है जिन्होंने भारत में आने से क्या कर दिया, किनारा कर दिया। ये भी किसकी देन है, पोल्यूशन की देन है। और मैं कहीं पढ़ा, इनफैक्ट मैं वेद में ये बात पढ़ी, वेद ये बताते हैं कि अगर पक्षी किनारा करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे वो श्रृंखला आके मनुष्यों पर थमती है जी। अगर पक्षियों के लिए भी ये वायु में सोच लिया कि हाँ की हवा और पानी हमारे लिए नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी क्या है, खतरे की। पांचवा पॉइंट मैं ये बता रहा, पोल्यूशन, अगर मैं पानी की बात करता हूं, शायद बहुत बुजुर्ग आदमी यहां पर बैठे जी, मेरे बाबा दादा ने हम कभी कुओं से पानी पिया करते थे, धीरे धीरे कुएं का पानी कहां चला गया, नल में चला गया, हैंडपंप के अंदर चला गया, और फिर ये पानी कहां पर आ गया, बोतल के अंदर आ गया। क्यों भाई, ये बच्चे आगे कैसे पानी पिएंगे, इस पानी के लिए भी आहार मचने वाला। एनसीआर की एक रिपोर्ट मेरे सामने है, दो मिनट का समय दूंगा, आने वाले 5 साल में एनसीआर के अंदर पानी का हाहाकार मचने वाला जी। मैं तो पता नहीं रहूंगा नहीं रहूंगा, वो एक अलग बात है, लेकिन शायद ये वर्डिंग हमेशा सब लोगों के कान में गूंजती रहेगी। दिल्ली एनसीआर के अंदर पानी के दो स्रोत है, एक गंगा यमुना और दूसरा ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड से हम पानी ले रहे। गंगा यमुना के अंदर पानी ऑलरेडी खत्म होता जा रहा है, ये बात सबको पता होगी। जो ग्राउंड का पानी है वो धीरे धीरे हर साल, मेरी रिपोर्टिंग हो रही है कि बात सत्य है, वो हर साल कितना नीचे, 3 मीटर, कितना नीचे, 3 मीटर नीचे जा रहा है। ये रिपोर्ट है, आप देख लेना, नेट के ऊपर सब कुछ पड़ा है। और आप लोगों को यह भी पता होगा या पता होना चाहिए, जितना पानी नीचे से आएगा पानी उतना ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।